अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मेरी सी एस एस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन से रिलेटेड फ़र्स्ट वीडियो है मैं जस्ट इसमें शॉर्टली ये बताऊँगी कि सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल वाले हैं वो आपने सेलेक्ट कैसे करने हैं मैं जस्ट गाइडलाइन दूँगी एग्ज़ाम्स के टोटल ट्वेल्व हंड्रेड मार्क्स हैं एंड दीज आर सेलेक्टेड लाइक सिक्स हंड्रेड आर फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड सिक्स हंड्रेड आर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमने सिक्स सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं या फिर अगर आप टू हंड्रेड वाला सेलेक्ट कर रहे हैं दैन इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स वी हैव टू कम्प्लीट जस्ट सिक्स हंड्रेड मार्क्स बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें सबसे ऊपर मैंशन होता है कि आपने उस कैटेगरी में से कौन से मार्क्स का सेलेक्ट करना है कितने मार्क्स का सेलेक्ट करना है लाइक दिस वन हेयर यू हैव टू सेलेक्ट फॉर टू हंड्रेड मार्क्स ओनली एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स और इस वाली कैटेगरी में देखें टू हंड्रेड मार्क्स का करना है अगर आप फिज़िक्स करेंगे तो एक ही करना पड़ेगा और अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट करें सेलेक्ट तो आपको वन हंड्रेड वाले दो करने पड़ेंगे लाइक इफ़ यू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट विद टू हंड्रेड मार्क्स देन यू कैन नॉट सेलेक्ट वन मोर फ्रॉम द सेम कैटेगरी सब्जेक्ट सेलेक्शन की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स कौन सी रखें या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स रखें सब इन्फॉर्मेटिव हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको यही सब्जेक्ट सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सी एस एस का कोर्स विद आउटलाइंस पढ़ लें मैं कोर्स की पी डी एफ फाइल साथ अटैच कर देती हूँ इधर आप इस फाइल में नीचे जाके इन सब्जेक्ट्स की डिटेल्स के बाद कैटेगरीज के बाद नीचे कोर्स सारा मेंशन है कि आपने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रेडी करने हैं ओके okay. क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लेकिन जब तक आप ये कोर्स आउटलाइंस पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं फिर बाद में आप जब कोर्स आउटलाइंस पढ़ते हैं फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती ये तो काफ़ी डिटेल्स हैं टफ़ हैं इसलिए फिर मुझे भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़े थे हाँ एक आपको मैं ये सजेशन ये देती हूँ कि आ, दो सम, आ, जो सब्जेक्ट्स आपने कंपलसरी में पढ़ने हैं लाइक दिस करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स इन दोनों सब्जेक्ट से आपको इंटर रिलेटेड एक इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है दिस वन फिफ्टीन नंबर वाला वो टू हंड्रेड मार्क्स का है वो आपका इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाता है इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी इसमें आपका कवर हो जाएगा मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक ये सेलेक्ट कर लें फिर बाकी सिर्फ आपके पास सिर्फ फोर हंड्रेड मार्क्स की सिलेक्शन बाकी रह जाती है वो आप अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप कर लें कि आपने कौन से करने क्योंकि आप डिटेल टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फिर ही आपको जाके पता चलेगा जब आप इस तरह इस फ़ाइल में से आप पढ़ के ये सारा कोर्स उनका सी एस एस का अपना है या आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो मैं नीचे कमेंट्स uh, में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आप पढ़ने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी सिलेक्शन क्या है मैं फर्दर टू थ्री डेज डेज़ में लेक्चर स्टार्ट करूँगी कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे आई स्टार्ट इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट आई ऑल्सो कंटिन्यू ऑन इंग्लिश ग्रामर इंशाल्लाह हम इंग्लिश भी uh, साथ साथ करते जाएंगे क्योंकि इंग्लिश एक वास्ट सब्जेक्ट है आपकी कंपलसरी में यहाँ पे इंग्लिश ऐसे राइटिंग इन कंपोजिशन वग़ैरह आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए तो बहुत अच्छी आपकी सेंटेंस मेकिंग होनी चाहिए वो आपको टेंसेज वग़ैरह का पता होगा तो फिर आपकी इन जल्दी कवर हो जाएगी मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीक और या फिर टू थ्री डेज़ में नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करती हूँ और हम तैयारी शुरू करते हैं इन अगर आपको मेरी सजेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि जैसे कोई बॉटनी का सब्जेक्ट है बॉटनी का अगर आप पढ़ें नीचे आ, जो बॉटनी का मतलब जो नीचे ऐसे सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है इन्होंने कि क्या क्या पढ़ना है तो आपकी बॉटनी कवर नहीं होगी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको ये नहीं है कि आप बॉटनी इजिली कर लेंगे लेकिन उसकी काफ़ी टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं और इस्लामिक स्टडीज़ का मैं आपको एक और गाइडलाइन दे दूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ आपको इंग्लिश में सॉल्व करनी चाहिए वेट इज़ इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ आपको इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना चाहिए क्योंकि हम सारे पेपर्स इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं तो हमारी इंग्लिश इंग्लिश की राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी बन गई होती है अगर आप उर्दू करोगे ना तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आई डोंट थिंक आई कैन अटैम्प्ट इन उर्दू राइटिंग आई कैन अटैम्प्ट इन इंग्लिश राइटिंग आई प्रेफर फॉर यू इंग्लिश राइटिंग ओके अगर आप फर्दर कोर्स मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अकॉर्डिंग टू तो द सिलेबस टॉपिक्स कंटिन्यू करूँगी थैंक यू